दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुबई में मिलने वाले बहुत ही जनरल और कॉमन फाइन्स के बारे में बात करेंगे। डजेंट मैटर वो एक पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वालों के लिए फ़ाइन हो या फिर आरटीए की तरफ से रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किसी ड्राइवर को या फिर दूसरे जो पैसेंजर्स बैठते हैं उन सब के लिए फ़ाइन हो। इन फाइन को आप किस तरह देख सकते हो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह उनको पे कर सकते हो, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक पेडेस्ट्रियन फाइन के बारे में। इसकी कई स्टेज हैं। सबसे पहली स्टेज होती है कि अगर आप गलत तरीके से रोड क्रॉस करते हो तो उस केस में आपको फ़ाइन मिलता है, या फिर अगर आप रेड लाइट पर खड़े हुए हैं ग्रीन का वेट नहीं करते हो आप क्रॉस कर देते हो उस केस में आपको फ़ाइन मिल जाता है। अगर फ़ाइन मिलता है तो ये भी कई तरीके से मिलता है। एक तो ये होता है कि आपकी इमीडिएट आईडी को ले लिया जाता है और उसको जमा कर दिया जाता है किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो आपके सबसे नज़दीक होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी इमीडिएट आईडी को सिस्टम के अंदर स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद इमीडिएट आईडी आपको वापस दे दी जाती है, प्लस आपको एक पेपर भी मिलता है और उस पेपर पर आपका वायोलेशन नंबर और वायोलेशन का जो फाइन का जो भी कुछ डिटेल होती है ना वो सारी लिखी हुई होती है। अब अगर आपकी इमीडिएट आईडी को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया गया है तब आपको पुलिस स्टेशन जाकर ही उस फाइन को पे करना है, और अगर आपको इमीडिएट आईडी वापस दे दी गई प्लस आपको एक पेपर भी दिया गया है उस केस में फ़ाइन आप अपने घर बैठे पे कर सकते हैं। वो कैसे पे करते हैं मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। फिलहाल तो मैं ये समझा रहा हूँ कि पेडेस्ट्रियन फाइन में पहली स्टेज तो ये हो गई। दूसरी स्टेज होती है आप कोई दूसरा वायोलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चाय पी पब्लिक प्लेस में उसका कप वहीं पर फेंक दिया, अगर आपने जूस पिया पब्लिक प्लेस में बस स्टॉप पर मेट्रो स्टेशन कहीं पर भी अगर आप किसी भी तरीके से वायोलेशन करते हैं यानी कचरा रोड पर फेंकते हैं सिंपल सी बात, उस केस में भी आपको 400 फाइन मिलता है। पहले ये 200 था अभी बढ़ा कर ये 400 कर दिया गया, प्लस इनके 20 दिरहम सर्विस चार्जेज होते हैं। और अगर आप एक महीने से ज़्यादा डिले करते हैं फ़ाइन को पे करने में उस केस में आपको 20 दिरहम हर मंथ आपके अकाउंट में 20 दिरहम का फ़ाइन ऐड होते रहता है भाई साहब, और आप इससे बच नहीं सकते। क्योंकि जब भी आप एयरपोर्ट पर अपना वीज़ा कैंसिल कराने के बाद जाते हो वहाँ पर आपकी सारी हिस्ट्री सामने निकल कर आ जाती है, जितना भी फ़ाइन होता है जिस वायोलेशंस का आपके ऊपर फ़ाइन है वो सब आपको एयरपोर्ट पर ही क्लियर करना होगा और उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। तो पेडेस्ट्रियन फ़ाइन की दो स्टेज, पहले तो आप गलत तरीके से रोड क्रॉस करते हो, दूसरा होता है किसी भी तरीके से पब्लिक प्लेस पर कोई भी कचरा डायरेक्टली अगर ज़मीन पर फेंकते हो उस केस में आपको दुबई म्यूनसिपालिटी की तरफ से फ़ाइन मिलता है। तो ये दो होते हैं पेडेस्ट्रियन फ़ाइन। अगले फ़ाइन की दोस्तों बात करें वो है ट्रांसपोर्टेशन फ़ाइन। अब दुबई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर तीन ही चीज़ें आती हैं, एक तो है मेट्रो, एक तो है बस, एक है टैक्सी। तो मेट्रो के अंदर आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते और दूसरा टैक्सी के अंदर भी कोई आप चीटिंग नहीं कर सकते। अब तीसरा आता है बस। अगर आपके पर्स वैल्यू लो है यानी आपके कार्ड में पैसे नहीं है तब भी आप ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पर आप चीटिंग कर सकते हो। इसीलिए आरटीए की तरफ से बस को रुकवाया जाता है और बीच में ही बस की चेकिंग भी हो जाती है। कभी कभी रोड पर आपने फेस किया होगा इस चीज़ को। तो अगर आप उस केस में पकड़े जाते हो आपको 400 प्लस 20 का फ़ाइन होता है, 420 दिरहम का आपको फ़ाइन मिलता है। तो वो फ़ाइन को पे करने के दो ही प्रोसीजर हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि या तो अगर आपको इमीडिएट आईडी दे दी जाती है प्लस एक पेपर मिलता है तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, और अगर आपकी इमीडिएट आईडी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर दी जाती है तो आप किसी भी वर्किंग डेज में जाकर अपनी इमीडिएट आईडी ले सकते हो और जो फ़ाइन की जो अमाउंट है उसको वहीं पर पेमेंट भी कर सकते हो। दूसरा दोस्तों एक होता है पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन फ़ाइन, जिसके अंदर आप इलीगल पैसेंजर को बिठाते हो। अब इलीगल पैसेंजर कई केस में होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी 12 पर्सन अलाउड है और आप उसमें 15 भरते हो ना तो वो भी इलीगल होता है। दूसरा ये होता है कि आपने गाड़ी खरीदी किसी पर्सनल नीड के लिए खुद के लिए और अब आप उस गाड़ी से सर्विस दे रहे हो पिक एंड ड्रॉप की, लोगों को बिठा रहे हो और उनको दूसरी जगह छोड़ रहे हो, उनसे कुछ चार्ज करते हो, अक्सर पठान वहाँ पर करते भी हैं। तो अगर आप इस तरीके की कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हो अपनी पर्सनल गाड़ी के साथ इलीगल पैसेंजर को बिठाते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ा फ़ाइन मिलता है, 3000 दिरहम का फ़ाइन मिलता है, प्लस 24 ब्लैक पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस आपकी गाड़ी को 30 डेज के लिए जब्त भी किया जाता है, यानी कि आप पूरी तरीके से बेरोजगार होगा। आपकी गाड़ी भी गई, आपकी गाड़ी 24 ब्लैक पॉइंट मिलने की वजह से आपका लाइसेंस 1 ईयर के लिए सस्पेंड भी हुआ और आपको 3000 दिरहम का फ़ाइन भी मिला। तो ये काफ़ी तगड़ा फ़ाइन है, इस फ़ाइन से हर एक आदमी को बचना चाहिए। अब यहाँ आरटीओ फाइन्स के बहुत सारे स्टेज हैं, काफ़ी सारी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर छोटे छोटे वायोलेशंस के ऊपर आपको फ़ाइन मिलता रहता है, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक ऐसी हैं जो कॉमन मिस्टेक हैं, लगभग बहुत सारे लोग करते रहते हैं और फ़ाइन उनको लगता रहता है।
वो है कि गाड़ी में कुछ बैठ कर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कोई फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, उसका कचरा बाहर अगर आप फेंक देते हैं, यानी थ्रोइंग गार्बेज वाइल ड्राइविंग, अगर आप इस मिस्टेक को करते हैं तो आपको 1000 दिरहम का फाइन है सर, और इसमें ड्राइवर को भी 6 ब्लैक पॉइंट्स मिलते हैं, तो इतना तगड़ा फाइन है। दूसरा है कि मोबाइल यूज़ करना, गाड़ी की ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज़ करना एक छोटी सी मिस्टेक है, तो इस छोटी सी मिस्टेक का वहाँ पर 800 दिरहम्स का फाइन है, प्लस 4 ब्लैक पॉइंट्स है। तो ड्राइवर इस चीज़ का ख्याल रखें, ड्राइवर खासतौर से अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा जो तो बड़ा फ़ाइन है, एक छोटी सी मिस्टेक है, वो है विदाउट सीट बेल्ट अगर आप ड्राइव करते हैं, तो इस केस में भी आपको 400 दिरहम्स का फ़ाइन है, प्लस 4 ब्लैक पॉइंट्स हैं। वैसे तो RTA की तरफ से मैं कह रहा हूँ बहुत लंबी लिस्ट है, इसकी एक बहुत बड़ी डिटेल वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, जिसके अंदर छोटे से लेकर बड़ा तक सारे ही फ़ाइन मेंशन करूंगा। ये वीडियो मेरे एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कहा था कि फ़ाइन लग रहे हैं उनको और वो किस तरीके से पे कर सकते हैं देख सकते हैं, तो काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो मैंने 2-3 चीज़ें और भी कवर करती हैं कि पेडेस्ट्रियन फ़ाइन के साथ साथ जो RTA के जो फ़ाइन है वो भी मैंने उसकी कैटेगरी को लेकर चला। बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ाइन को हमें पे कैसे करना, बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स में कुछ क्लिक्स में आप इस फाइन को अपने घर बैठे पे कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ RTA की एप्लीकेशन की तरफ, और ये RTA की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। प्ले स्टोर के सर्च बार में सिंपली आप RTA दुबई लिखते हैं, सबसे पहली एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, उसके बाद आप लेफ्ट के साइड में ड्रैग करेंगे, सालिक का ऑप्शन आएगा, अगला ऑप्शन पार्किंग का आता है, उसके बाद ड्राइविंग एंड लाइसेंसिंग का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, फिर उसके बाद व्हीकल्स एंड फाइन्स का ऑप्शन आपके पास दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाए जाएंगे, तीनों में से सबसे पहला हमें ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज खुलता है, पेज करने के बाद सबसे ऊपर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लेट नंबर वगैरह, अगर यानी कि अगर आपकी गाड़ी के प्लेट नंबर पर कोई फाइन है आप यहाँ पर फीड करके उसकी डिटेल को देख सकेंगे। ट्रैफिक नंबर, अगर आपको कोई ट्रैफिक नंबर मिला हुआ है, आप गाड़ी का रॉन्ग पार्किंग वगैरह कुछ कर रहे थे, तो इस केस में आप ट्रैफिक नंबर का फाइन सर्च कर सकते हैं। लाइसेंस नंबर, अगर आपने कोई मिस्टेक की है, आपको ब्लैक पॉइंट लाइसेंस नंबर के ऊपर मिले हैं, तो आप लाइसेंस नंबर डालने के बाद उसकी डिटेल को देख सकेंगे। और फाइन नंबर, अगर आपको जो मैंने बताया था कि अगर आप चाय का कप पी के फेंक देते हैं, या फिर आपको रोड क्रॉसिंग करने का, गलत रोड क्रॉसिंग का फाइन मिलता है, उस केस में आप यहाँ पर फाइन नंबर के अंदर से फीड कर सकते हैं। फाइन नंबर होता है लगभग 15 से 16 नंबर का एक कोड होता है, जो कि आप फाइल नंबर या फिर फाइन नंबर के जैसा आप अपने पेपर पर देख सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि वो पेपर मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस तरीके का अभी तक तो कोई फ़ाइन मेरे ऊपर खुद भी नहीं लगा, तो वो पेपर मेरे पास है भी नहीं, नहीं तो मैं आपको फिज़िकल दिखा देता कि उसको कैसे चेक करना। फ़िलहाल फ़ाइन नंबर सबसे ऊपर फ़ाइन नंबर में डालना है, उसके बाद फ़ाइन सोर्स सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस तरीके का फ़ाइन मिला है। अब फ़ाइन सोर्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने चाय का कप फेंका, उस केस में आपको दुबई म्यूनसिपालिटी की तरफ से फ़ाइन मिलेगा, तो आप दुबई म्यूनसिपालिटी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपली जब आप सिलेक्ट करने के बाद फ़ाइन ईयर, आपको जिस साल भी फ़ाइन लगा था उसको क्लिक करने के बाद में आप व्यू फाइन्स के ऑप्शन को क्लिक करके उस फाइन को देख पाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसा ही आप फाइन देख पाएंगे, देखने के बाद नीचे उसका पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसको रीडायरेक्ट कर पाएंगे पेमेंट के ऑप्शन को। अब आपको पेमेंट किस तरीके से करना है, आप अपना मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई दिए जाएंगे कि आपको किस तरीके से उसकी पेमेंट को करना है। सिंपल प्रोसेस है पेमेंट की, ये भी बता के आपका टाइम नहीं ख़राब करने वाला हूँ, क्योंकि एक कॉमन सी चीज़ जो लगभग हर एक आदमी आजकल ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, उसको पता ही होता है कि पेमेंट किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों ये तो था RTA या फिर एक पेडेस्ट्रियन फाइन के बारे में लगभग कुछ सारे कॉमन क्वेश्चंस। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।